नमस्कार दोस्तों कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है आवाज आ रही है सभी लोगों को रेडी हो सभी लोग आज के सेशन के लिए ऑल गुड ठीक है तो बच्चे आज मैंने तीनों ही सेशन आईपीसी के प्लान करे हैं रीजन इज कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है सब्जेक्ट मैटर जिसको हमें कवर करना है पर बच्चे एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है देखो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए आज के टाइम पे ना क्योंकि एग्जाम से क्या इंपॉर्टेंट है और हमको किस तरीके से उसको लिखना है यही बात पे हमको सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चे तो आज के जो सेशन है ये ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था लास्ट टू लास्ट टू लास्ट क्लास में उसी से कंटिन्यू करेंगे

िएशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है इसको हम समझेंगे दो ही सेक्शन है सेक्शन चार सो तीन और चार सौ चार इसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ठीक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप सोच रहे हो सर लोग आप इतना क्यों उस पर रहे हो मैं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और बच्चों को मैंने बहुत बेवकूफी करते हुए देखा है आंसर्स में आप में से कोई ऐसा ना करे द रीजन कि मैं दोनों को बिल्कुल अलग रख रहा हूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जहां तक बात ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे चार सौ पांच से लेके फोर जीरो फाइव टू फोर जीरो नाइन तो मुझे लगता है इस सेशन में जो ये हमारा प्रेजेंट सेशन है उसमें लगभग लगभग यही डिस्कशन होगा उसके बाद जो थर्ड uh, हमारा पार्ट है हमारे आज के डिस्कशन का दैट इज गोइंग टू बी अबाउट स्टोलन प्रॉपर्टी देखो स्टोलन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा है मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप पकड़ के रख सकते हो ठीक है क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा ये जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें ओवरलैप करता है वो बीच में रोल प्ले ही करता है तो आता हो तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो इसको हम पढ़ेंगे जो रिसीविंग ऑफ प्रॉपर्टी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम पढ़ेंगे फ्रॉम सेक्शन 410 टेन टू फोर फोर्टी से लेके चार तक ठीक है तो मोरल लेस हमारा जो एजेंडा है दैट इज गोइंग टू रेंज फ्रॉम फोर

वो ये है कि हमको कॉन्सेप्स क्लैरिटी लेके जानी है ऐसा तो है नहीं कि आपके पास स्टैचूट नहीं है ऐसा तो है नहीं कि आपके पास किताबें नहीं है आप भी समझदार बच्चे हो आपको भी काफी हद तक अगर आप चाहो तो कर सकते हो मेरा रोल कहाँ पे है देखो उसको सबसे पहले क्लियरली समझो मेरा रोल है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना बाद में तो obviously ground work तो आपको ही करना पड़ेगा इन दी एंड जितना अच्छा करेगा वो उतना स्कोर करेगा बट एक कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है जो बच्चा कई बार खुद से नहीं कर पाता है हर एक बच्चा उसमें सक्षम नहीं होता है और ये इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस और कई बार ये टैलेंट का भी खेल है तो मेरी तर, मेरी तरफ से बस इतनी सी कोशिश है कि मैं आज आपको समझा के जाऊं मिसन ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट और वो स्टोलन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट तो सबसे ज्यादा एम्फोसिस सबसे ज्यादा भार और सबसे ज्यादा समय में इनही तीन कॉन्सेप्टी के जो डिटेल्स uh, हैं उनको तो हम आसानी से पढ़ लेंगे उसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है ठीक है चलो लेट स्टार्ट विद आर फर्स्ट पार्ट ऑफ आर एजेंडा दैट इज क्रिमिनल मिस्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये होता क्या है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझेंगे ठीक है बहुत बेसिक लेवल से समझेंगे बच्चे बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल से तो सबसे पहले तो यही मैं उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में अगर पहले से ही कुछ प्री कंसेप्शन है तो उनको दो सेकंड के लिए आप साइड में रख दो बिल्कुल फ्रेशली देखते हैं सबसे पहली बात यहां पर कोई भी व्यक्ति ध्यान से देखना कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली अब डिसऑनेस्टली अब आप देखो बच्चे एक मैं आपको की बताता हूं इसको याद कर लो ऑफेंसिस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको ये शब्द दिखाई देगा ही देगा फिर वो चाहे थे चाहे वो मिसअप्रोप्रिएशन हो चाहे अभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ने वाले हैं चाहे अभी वो स्टोलन गुड वाली कहानी पढ़ने वाले हैं सब जगह ये डिसऑनेस्टली का कॉन्सेप्ट बच्चे आएगा ही आएगा तो आप अपना कंठस्थ कर लो ये दो सेक्शन को ज्यादा दबाव देना आप सेक्शन पे और सेक्शन चौबीस कहने को तो डेफिनेशन डेफिनेशन 24 24 के अंदर है पर 24 की डेफिनेशन किसी खास काम की नहीं है काम की बात लिखी हुई है सेक्शन 23 में जो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को समझाता है इन दो सेक्शंस को आप कंठस्थ कर लो ठीक है तो कोई भी व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है डिसऑनेस्टली यह देखना बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या तो वो डिसऑनेस्टली मिस कर रहा है अभी ये क्या होता है अंग्रेजी का शब्द है अभी समझेंगे इसको या, तो वो बच्चे, कर रहा है। या फिर कन्वर्ट कर रहा है अपने इस्तेमाल के लिए convert to his own use. Convert कर रहा है अपने इस्तेमाल के लिए या तो वो मिस कर रहा है या फिर वो कन्वर्ट कर रहा है अपने खुद के इस्तेमाल के लिए अब भाई सवाल अगला सवाल क्या उठेगा कि किस चीज का किस चीज को मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है भाई या फिर किस चीज को कन्वर्ट कर रहा है तो किसको कर रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी को ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए कि ये वाला जो ऑफेंस है डिसऑनेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑफेंस है इट इज ओनली लिमिटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टीज थेफ्ट थेफ्ट की की तरह की तरह मूवेबल प्रॉपर्टी तक लिमिटेड है मिस्रोप्रिएशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी यही अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया कि आपको ये बात समझ में आ गई ठीक है तो कोई भी व्यक्ति जो कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है अपने इस्तेमाल के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को बस यही अपराध है अब अपराध की सजा क्या है वो तो आप याद कर लोगे अपराध की सजा यह है कि आपको जेल हो सकती है बच्चे दो साल तक की या फिर केवल फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है या फिर दो ये तो आप रट लोगे इंपॉर्टेंट है ये जो फर्स्ट थ्री लाइन जिसमें हम देख रहे हैं एक तो डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्टली की की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है है और है in, in और conversion. और इन इन रिलेशन टू दैट कन्वर्जन वो मूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए तो देखो कितना बेसिक सी बात है बारी बारी से एड्रेस करते हैं तीनों चीजों को सबसे पहले देखते हैं डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है वॉट डिसऑनेस्टली मीन देखो मैं हजार बार तो मुझे लग रहा है मैं रिपीट कर चुका हूं स्टली का मतलब होता है वेन यू डू एनी थिंग विद द एम ऑफ कॉजिंग रॉन्ग फुल गेन टू योर सेल्फ और टू समर पर्सन अपने आप को रॉन्गफुल गेन करने के लिए गेन मतलब फायदा और रॉन्गफुल मतलब गलत फायदा करने के लिए अपने आप को या किसी और व्यक्ति को या फिर रॉन्गफुल लॉस करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी भी सिचुएशन में किसी भी थर्ड पर्सन पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उसका तो कॉजिंग रॉन्गफुल गेन

तो जब भी आप देखो लिखा हुआ डिसऑनेस्टली आप ये तो समझ जाओगे कि इट इज लाइक कि ये बंदा जो कर रहा है वो अपने आप को रॉन्गफुल गेन करने के लिए कर रहा है और किसी थर्ड पर्सन का रॉन्गफुल लॉस कर रहा है अब ये हमेशा देख लेना कि ये डिसऑनेस्टली जुड़ा किस बात से है जैसे यहां पे ये जुड़ा हुआ है मिसअप्रोप्रिएशन से मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है देखो एप्रोप्रिएशन तो एक अंग्रेजी शब्द है अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डालना देना ठीक है अलग कर लेना जैसे आई एम अप्रोप्रिएटिंग दिस मनी फॉर दिस पैसा अलग कर रहा हूं इस कार्य के लिए या इस उद्देश्य के लिए तो अप्रोप्रिएशन की जब आप किसी चीज को डिमार्केट कर देते हो अलॉट कर देते हो समथिंग लाइक दैट ठीक है अब इसी अप्रोप्रिएशन को आप नेगेटिव टर्म्स में देखो तो इसको बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएशन मतलब जब अप्रोप्रिएशन सही तरीके से ना हुआ हो गलत तरीके से किया गया अप्रोप्रिएशन कहलाता है मिस अप्रोप्रिएशन तो जो बंदा अप्रोप्रिएट कर रहा है किसी भी चीज को यहां तो मूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए तो कोई भी बंदा जो अप्रोप्रिएट कर रहा है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन और वैसे तो इस शब्द के ही अंदर गलत बात आ गई कि वो गलत तरीके से कर रहा है नेगेटिव वर्ड है मिसप्रोप्रिएशन पर इसमें जब आप साथ में डिसऑनेस्टली की भी रिक्वायरमेंट जोड़ देते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी बंदा ये जो गलत तरीके से अप्रोप्रिएट कर रहा है वो ऐसा कर रहा है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस करने के लिए ठीक है तो गलत वो पहले से ही था एप्रोप्रियशन वो गलत पहले से ही था बट वो स्पेसिफिक पर्पस रॉन्गफुल गेन करने का रॉन्गफुल लॉस करने का वो उससे जुड़ा होना चाहिए ये बच्चे बात जरूरी है अभी इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा पर जो भी कुछ हुआ है केवल अगर किसी केस के इसके अंदर मिस एप्रोप्रिएशन है मतलब अप्रोप्रिएशन हुआ है प्रॉपर्टी का रॉन्गफुल मैनर इतना काफी नहीं होने वाला है The, the has, has to to तो पढ़ेंगे तो इस बात को हमेशा समझ लो एक तो तरीका ये हो गया कि मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हो पहले से ही निगेटिव टर्म है दूसरा तरीका है कन्वर्जन इसको शॉर्ट में बोलते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट टू हिज ओन यूज जब कोई व्यक्ति किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल के लिए कन्वर्ट कर लेता है ये बच्चे जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव टर्म हो क्योंकि जो कन्वर्जन हो सकता है वो विद ऑथोरिटी भी हो सकता है विदाउट ऑथोरिटी भी हो सकता है तो जैसे मिस अपने आप में एक नेगेटिव शब्द था कन्वर्जन के साथ ऐसा नहीं है कन्वर्जन में हमको एडिशनल गलत, गलत नहीं होता पहले मैं बताता हूँ मतलब आपको दू अगर मेरे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल बुक है मेरे फ्रेंड की मेरे पास कोई बुक है और मैं उस बुक को अपने लिए इस्तेमाल करने लगू फॉर माई ओन पर्प इस्तेमाल करने लगू जैसे मेरे फ्रेंड ने मेरे को बुक दी थी केवल इस पर्पस के लिए कि मैं उसके बिग बुक की रिपेयरिंग कर दूं उसकी फट गई थी तो उसको ठीक कर दूं चिपका दूं ठीक है उस पे कवर तो ओवर चढ़ा दूं बट आई एम ट्राइंग टू यूटिलाइज दैट बुक या फिर किसी दोस्त ने मेरे को गाड़ी दी थी कि तुम अपने घर पे इसको खड़ा कर लो मैं जा रहा हूं दो दिन के लिए बाहर पर आप क्या कर रहे हो उसकी गाड़ी को लेके घूम रहे हैं वट आर यू डूइंग यू आर कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू यूज पर केवल कन्वर्जन काफी नहीं है जैसे मिस्रोप्रिएशन काफी नहीं था ऐसे ही कन्वर्जन भी केवल काफी नहीं कन्वर्जन होना चाहिए विद ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस वही डिसनेस्टली की रिक्वायरमेंट तो कन्वर्जन भी होना चाहिए और कन्वर्जन के पीछे उद्देश्य रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का ही होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि यह सेक्शन का नंबर आ रहा है सेक्शन चार सौ तीन लग सकता है ठीक है तो चाहें देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही बात है इस डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही समझना है कि वेदर इट बी मिस्रोप्रिएशन वेदर इट बी कन्वर्जन फर्स्ट इट हैजू बी इन रिलेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा एंड सेकेंड

अगर हम दोबारा से पढ़ें तो आपको कितना आसान लगेगा कोई भी व्यक्ति जो रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी को मिसप्रोप्रिएट कर लेता है या अपने इस्तेमाल के लिए कन्वर्ट कर लेता है उसे हम बोलते हैं कि उसने सेक्शन 403 के अंदर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अपराध किया है और उसको दो साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों लग सकते हैं देखो कितना सिंपल लग रहा है जब हमने शुरू किया तो हमको कितना अजीब सा लग रहा था कि सर इसका मतलब क्या होगा उसका मतलब क्या होगा नाउ इट लुक्स लुक सो सिंपल बस यही है और कुछ नहीं है दिस ऑल इट ठीक है एक और बात बताता हूं मैं आपको आप लोगों के दिमाग में शायद बज रहा होगा सर मिस्रोप्रिएशन और कन्वर्जन में फर्क क्या है क्योंकि ये दोनों आपको काफी समीप लग रहे होंगे काफी पास लग रहे होंगे एक दूसरे से ऐसे है भी वो काफी पास है वैसे एक बात तो है कि मिस अप्रोप्रिएशन अपने आप में एक नेगेटिव टर्म है कन्वर्जन नहीं है बट फिर भी काफी क्लोज लगते हैं क्योंकि दोनों ही जगह कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा रहा है इन अ वे देखो मिस एप्रोप्रिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि, कि किसी व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को अपने लिए रख लिया है ये अपने लिए रखना जैसे मैं बोला था एप्रोप्रिएशन का मतलब है टू तो पुट इट असाइड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को अपने लिए रख लिया है और वो अगर ऐसा डिसऑनेस्टली कर रहा है अपने आप को रॉन्ग रौंग, रॉन्गफुल गेन करने के लिए और बंदे को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए तो ये बच्चे मिस अप्रोप्रिएशन कहलाएगा उसका अलग करना प्रॉपर्टी को यहां पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें या उस प्रॉपर्टी का कुछ भी यूटिलाइजेशन करें वहीं दूसरी जगह जब मैं बात करता हूं कन्वर्जन की यहां पे प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए फॉर योर ओन पर्सनल पर्पसेस आपके खुद के पर्सनल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी की यूज होनी चाहिए प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया हो जाना चाहिए और ये जो यूज है दैट हैज टू बी डन डिसऑनेस्टली कि भाई इन ऑर्डर टू गेन रॉन्गफुल गेन एंड द लॉस तो यहां पे मिस्रोप्रिएशन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा फोकस प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा होता है वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ज्यादा होता है जैसे मेरी गाड़ी मेरी बाइक मेरी बुक उस प्रॉपर्टी के ऊपर ज्यादा है कि मेरी प्रॉपर्टी को ले लिया कन्वर्जन में फोकस प्रॉपर्टी पे तो है क्योंकि बेसिस ही क्लेम का बेसिस ही वो प्रॉपर्टी है बट यहाँ पर ज्यादा उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल पे है जैसे बाइक यूज की मेरी गाड़ी यूज की मेरी बुक यूज की Getting my point? हो सकता है कन्वर्जन की स्थिति में मैं इतना भयभीत ना हूं अबाउट माई प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी मेरे को वापिस मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे ये डरना हो पर मुझे शायद गुस्सा इस बात का हो कि इसने मेरी मेरी प्रॉपर्टी को यूज कैसे किया प्रॉपर्टी कन्वर्जन फॉर द पर्सनल और यहां पे जो में, में मेरा कंसर्न है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बारे में कि भाई तूने मेरी गाड़ी कैसे ले ली कि भाई तूने मेरी, मेरी बुक कैसे ले ली तो हियर कंसर्न ऑब्वियसली ज्यादा है में क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी खतरे में लग रही है यहां पे यूज की वजह से पर बच्चे मैं फिर से बोलूंगा दोनों ही जगह मूवेबल प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए बट इस शब्द को गलती से भी नहीं भूलना कभी भी ठीक है तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी डिसऑनेस्टली misappropriate... और ये दोनों डिसऑनेस्टलीटिव है मिस्रोप्रिएशन और कन्वर्जन दोनों ऑल्टरनेटिव है दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है कि मिस्रोप्रिएशन भी होना चाहिए और फिर उसका यूज भी होना चाहिए मतलब कन्वर्जन भी होना चाहिए दोनों में से कोई एक होगा चलेगा तो हमको चाहिए डिसऑनेस्ट मतलब रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लेस फिर चाहे मिसएप्रोप्रिएशन हो चाहे कन्वर्जन हो बस ये है कि वो चाहे मिसएप्रोप्रिएशन हो चाहे कन्वर्जन हो दैट हैज टू बी इन रिलेशन टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है बस और अपराध पूरा हो गया दो साल तक की सजा या फिर फाइन या तो अब आप देख रहे हो ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है है ठीक की सिचुएशन में गिर रहा है पर इस ये तो डेफिनेशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो डेफिनेशन थी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई और उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आई अब हम लोग डेल्व करते हैं डिटेल्स में और डिटेल्स में डेल्व करने का मतलब क्या है नाउ वी आर गोना लुक एट द देशन इस सेक्शन के बच्चे एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन मेन डेफिनेशन से से ना आकर एक्सप्लेनेशन आया हो कई बार ऐसा हुआ है तो देखेंगे बारी बारी से हर एक एक्सप्लेनेशन का अपना एक कॉन्टेक्सट है बट प्रिंसिपल और लॉजिक वही है जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर पढ़ाया सबसे पहला एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि जिस मिस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं हम अपनी डेफिनेशन के अंदर वो मिस्रोप्रिएशन जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए इट इज नॉट नेसेसरी कि मिस अ परमानेंट नेचर मिस एप्रोप्रिएशन किसी निश्चित समय के लिए भी लिमिटेड टाइम के लिए भी फॉर अ टाइम ओनली ऑल्सो लीड्स टू ऑफेंस मतलब ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है फॉर एग्जांपल की कैश पहले तो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर लिया और मानो एक दिन बाद दो दिन बाद एक महीने बाद उस प्रॉपर्टी को वापस कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराध खत्म हो गया उसका एक दिन के लिए मैं तो कह रहा हूं एक घंटे के लिए भी उस प्रॉपर्टी को मिस करना वॉज सफिशियंट उस ऑफेंस को पूरा करने के लिए क्योंकि जो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो बस इतनी कहती है कि जब भी मिस अप्रोप्रिएट हुआ हो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ होना चाहिए अगर ऐसा है हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इंटेंशन उसको परमानेंटली मिस अप्रोप्रिएट करने की है या फिर टेम्परेरी बेसिस में उसकी बस इंटेंशन होनी चाहिए डिसऑनेस्टली एक्ट करने की और प्रॉपर्टी को मिसप्रोप्रिएट करने की चाहे वो टेम्परे बेसिस पे, चाहे परमानेंट बेसिस पे वो अपराध वही वही के इट इट इज इज अ वन टाइम टाइम इवेंट इवेंट बच्चे ये ऑफेंस नहीं है उस पॉइंट पर जैसे ही उस डेफिनेशन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना मिस एप्रोप्रिएशन का होना और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में होना जैसे ये तीनों फैक्टर्स को एग्जिस्ट करेंगे बात वही खत्म हो जाती है अपराध वहीं के वहीं पूरा हो जाता है अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ प्रॉपर्टी वापस मिल गई नहीं मिली उसको पछतावा हुआ उसने माफी मांगी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है ठीक है इट इज अ वन टाइम इवेंट जैसे रिक्वायरमेंट्स को एग्जिस्ट करेंगी वी आर डन विद तो कई बार ऐसा डिफेंस लिया जाता है ऐसे सिचुएशन में तो वो किसी काम का नहीं है अगर मिस अप्रोप्रिएशन टेम्पररी बेसिस पे भी है दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट तो ये बच्चे एक्सप्लेनेशन वन है ठीक है इससे कई बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना मूविंग टू एक्सप्लेनेशन नंबर टू ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें देखो क्या है मानो बच्चे कभी कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति की पोजेशन में नहीं पाता है अब यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी व्याख्या दूंगा तैयार हो जाइए आप लोग मानो एक ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को पाता है और ऐसी स्थिति में पाता है जब वो किसी भी व्यक्ति की पोजेशन में नहीं है किसी भी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है और वो क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी को शायद प्रोटेक्ट करने के पर्पज से उठा लेता है ले लेता है इस इंटेंशन के साथ कि उस प्रॉपर्टी को वो वापिस कर देगा मालिक जब भी मिल जाएगा उस तो पैसे भी चुरा लेगा और ये जो आई डी वाइडी है इनका मिस भी कर लेगा तो आप क्या करते हो आप उस वॉलेट को उठा लेते हो और वॉलेट को उठाने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है कि मालिक को हम कांटेक्ट करेंगे उसका पर्स जो है उसका जो वॉलेट है उसको रिटर्न कर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम अपराध नहीं कर रहे मिस का क्यों क्योंकि एक तो इसे मिस कहना मुश्किल है ये अप्रोप्रिएशन तो है पर मिसप्रोप्रिएशन कहना मुश्किल है और सबसे बड़ी बात भले ये मूवेबल प्रॉपर्टी है पर मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहा है मैं कहा ये चाह रहा हूं कि मेरे को रॉन्गफुल गेन हो जाए और किसी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो जाए मैंने तो इस इंटेंशन के साथ उठाया है ना उसे कि मैं उसे ओनर को वापस कर दूंगा तो इस पॉइंट तक इस सर्टेन पॉइंट तक अभी कोई भी अपराध नहीं हुआ पर सिचुएशन बदल सकती है अगर यही व्यक्ति जिसने वॉलेट उठाया था भले ही जब उठाया था इस इंटेंशन के साथ उठाया था कि मैं मालिक को वापस कर दूंगा मतलब उस टाइम पे उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी तो 403 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी पर एक बार मिस एप्रोप्रिएट करने के बाद अगर उसका मूड बदल जाता है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में ले आता है मतलब उसका पैसा खर्च करने लगता है या उस वॉलेट को ही खुद यूज करने लगता है और केवल यूज करना काफी नहीं है यूज करना कुछ पेक्यूलियर सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में जहां पे उसे पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे बड़े ध्यान से सुनना जहां पे उसे पता है या अगर वो चाहे तो पता कर सकता है उसके पास ऐसे रास्ते हैं कि वो वॉलेट है किसका वो प्रॉपर्टी है किसकी ये पता होते हुए वो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं कर रहा है उसको इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो चाहे तो पता कर सकता है पर वो करने की कोशिश नहीं कर रहा है पता और उसको इस्तेमाल कर रहा है या फिर वो बिना इंतजार करे बिना टाइम दिए कि कोई व्यक्ति शायद कल आएगा परसों आएगा तरसों आएगा मैं उसकी प्रॉपर्टी को तब तक संभाल के रख लेता हूं तो वो उस प्रॉपर्टी को रीजनेबल टाइम तक उठा के नहीं रख रहा है और डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर ले रहा है फॉर हिज ओन यूज ये भी ये सिचुएशन भी कवर होती है रीजनेबल टाइम अब क्या रीजनेबल टाइम होगा क्या नहीं होगा दिस इज समिंग बट अगर कोई व्यक्ति खुद तो चलो कोशिश नहीं कर रहा पर किसी राइटफुल ओनर है उसको टाइम भी नहीं दे रहा कि शायद वो आपको ढूंढते ढांडते आ जाए आपके पास आप उसको तुरंत ही अप्रोप्रिएट कर ले रहे हो और यूज कर ले रहे होट गेटिंग माई पॉइंट तो अपने खुद के इस्तेमाल में लाना जानकारी रखते हुए ऐसी परिस्थिति में जहां पे जानकारी आप पा सकते हो या बिना रीजनेबल टाइम दिए तो यही पॉइंट पर आपके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्रिएट हो जाती है जैसे ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्रिएट हो जाती है टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू योर सेल्फ एंड रॉन्गफुल लॉस टू दी अदर पर्सन वैसे ही सेक्शन फोर थ्री फोर जीरो थ्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाते हैं तो कहने का मतलब है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में केवल ऐसी स्थितियां कवर नहीं होती कि किसी व्यक्ति की शुरू से ही इंटेंशन खराब थी किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में जब उसने उस प्रॉपर्टी को किया इट सिचुएशन आल्सो जिसमें आगे चल के देर वॉज चेंज ऑफ माइंड देर वॉज चेंज ऑफ इंटेंशन जिसकी वजह से वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गई अब जब आपको पता है आप फिर भी उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप रॉन्गफुल गेन करना चाह रहे हो ना अपने को पता है मानो उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर मिल गया ओनर का आप फिर भी उसको कॉल नहीं कर रहे आप पता कर सकते हो आपको उसका आई डी वाइडी मिल गया अगर आप पुलिस वगैरह के पास जाओ या फिर थोड़ा एफर्ट मारो तो आपको पता चल जाएगा मानो आईडी के अंदर उसका एड्रेस लिखा हुआ है या उसके किसी रिलेटिव का एड्रेस लिखा हुआ है समथिंग लाइक दैट या फिर आप कुछ नहीं कर रहे पर यार एक आध हफ्ता वेट तो करो बट नहीं, नहीं आप तो तुरंत ही उसको कर ले रहे हो इस्तेमाल गेटिंग माय पॉइंट जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन मिसिंग थी वो अब क्रिएट हो गई ऐसा बहुत होता है प्रैक्टिकल सिनेरियोज में हो सकता है किसी के साथ भी हुआ हो ठीक है तो ये अपराध की डेफिनेशन में गिरेगा पर यहां पे बच्चे एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं क्योंकि अगर ये नहीं बताई तो आगे हो सकता है कि आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ देखो बच्चे हमेशा दिमाग में एक डिस्टिंगशन आप हमेशा maintain करके रखना और वो डिस्टिंगशन क्या है मैं आपको क्रिएट करके देता हूं आप सभी लोग अपने नोट्स में और दिमाग में बना लेना देखो बच्चे मैंने आपको एक अपराध पढ़ाया था सेक्शन 378 के अंदर के अंदर का याद है theft क्या होता था और अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी

उट दी कंसेंट ऑफ दोजेसर ऑफ दटी उसके बिना कंसेंट के कर रहा था तब हम बोल रहे थे कि थे तो आप देख रहे हो काफी सिमिलैरिटी है थे रिलेशन में, में थी पर बच्चे थे रिश्ता हमेशा कौन सी स्टेज से जुड़ा होता है उस स्टेज से जुड़ा होता है जब कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा था जब वो उस प्रॉपर्टी को पा रहा था

जो जिस स्टेज के बारे में डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो वेरी फर्स्ट स्टेज है जिस समय आप प्रॉपर्टी का पोजेशन पा रहे हो जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी का पोजेशन पा रहे हो वही गलत है क्योंकि आप उसी टाइम पे उसी समय पे डिसऑनेस्ट लिया कर रहे हो एक्टिंग डिसऑनेस्टली इन ऑर्डर टू टेक दी प्रॉपर्टी तो जो आपका पोजेशन आएगा उस प्रॉपर्टी का फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम वही गलत होगा वही एक अपराध है पर बच्चे मिसअप्रोप्रिएशन की परिस्थिति में या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में इट इज नॉट दी इनिशियल पोजेशन जब पोजेशन आया किसी व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी का वो गलत नहीं होता है वो डिसऑनेस्ट नहीं होता है यहां पे टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली नहीं हो रहा है यहां पे प्रॉपर्टी का मिस डिसऑनेस्टली हो रहा है या फिर प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन या फिर यूज डिसऑनेस्टली हो रहा है तो फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में एक ऐसा केस जाएगा जहां पे किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का पोजेशन मिला हो और हो सकता है कि वो सही पोजेशन हो एक राइटफुल पोजेशन हो जिसमें कोई भी खराबी ना हो कोई भी दिक्कत ना हो पर पोजेशन पाने के बाद उसने जो उस प्रॉपर्टी के साथ किया वो उसको अपराधी बना रहा हो जैसे उसने प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया या उसने उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल के लिए लगा लिया जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो पढ़ाया उसमें क्या हुआ उसमें जो टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी था उसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि उसने किसी से चुराया नहीं है क्योंकि वो जो वॉलेट था वो पड़ा हुआ था वो किसी के भी पोजेशन में नहीं था चुराने के लिए तो इट बी इन ऑफ समवन और टेकिंग के पीछे यहाँ टेकिंग के पीछे कर देगा। तो यहाँ पे देर वॉज नथिंग रॉन्ग विदेशन इनिशियल पोजेशन जब आया अपराध कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ जब उस व्यक्ति ने उस पोजेशन जिस जिस प्रा, उस प्रॉपर्टी को जिसका उसने पोजेशन पा लिया है उसको मिसअप्रोप्रिएट करने की सोची कि मैं इसका पैसा खुद क्यों नहीं खर्च कर लू या फिर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करी फॉर इज ओन काफी ओवरलैपिंग होती है बच्चे कन्वर्जन और पर्परलिंग की और जरूरी भी नहीं है कि आप हमेशा उनको अलग अलग करो बट गेट दिस सेंस आउट ऑफ इट कि इट इज मोर अबाउट वॉट यू डू विद प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को आपने शायद एक कानूनी तरीके से पाया हो ये सबसे बड़ा फर्क है Between the theft and between the dishonest misappropriation of property oblique criminal breach of trust abhi criminal breach of trust is rakhon, rakhon dhughe, abhi aage usko. that is the basic difference. Yaha pe dishonesty hai at the stage of acquisition of the property at the very stage of getting the possession pe dishonesty hai once you got the possession after that misappropriation ke liye, या फिर उसको अपने पर्पसेस के यूज करने के लिए उसके लिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन काम कर रही है है दोनों जगह डिसऑनेस्ट पर वो अलग अलग स्टेजेस पे काम कर रही है स्टेज पे काम कर रही है तो थेफ्ट हो जाता है है और इस स्टेज पे काम कर रही है तो थे या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है ठीक है उम्मीद है बच्चे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इसके आगे एक ये लाइन लिखी हुई है इस डेफिनेशन में बड़ी प्यारी सी बड़ी छोटी सी आपको इस सब पे सबको ध्यान देना चाहिए इस पे जैसे अभी मैंने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिली और उसका जो आपका इनिशियल पोजीशन है वाज़ जस्टिफाइड उसमें सब कुछ ठीक था उसमें कोई परेशानी नहीं थी बट व्हेन यू चेंज माइंड जब आपने उस प्रॉपर्टी को अपने पर्पसेस के लिए यूज करने लगे और ऐसे सर्कमस्टांसिस में यूज करने लगे जब आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है या आप पता कर सकते हो यही वाली जो बात है कि जब आपके पास रीजनेबल मीन्स हैं पता करने के या फिर तीसरी वाली परिस्थिति कि आप रीजनेबल टाइम रुके नहीं तो किन किन चीजों को रीजनेबल मीन्स माना जाएगा पता करने के लिए और कितना टाइम रीजनेबल माना जाएगा वेट करने के लिए ये दोनों ही सवाल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कितनी जानकारी सक्षम होगी किसी भी केस में ये कहने के लिए कि इस फलाने व्यक्ति के पास रीजनेबल मीन्स थे राइट ओनर को पता करने की फिर भी इसने नहीं किया या फिर कितना समय किसी व्यक्ति को वेट करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को खुद अपने पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए ये दोनों ही सवाल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आप इसको समझना बच्चे इस इस एक्सप्लेनेशन को सही कॉन्टेक्स्ट में समझो पहले प्रॉपर्टी को यूज करना फॉर योर ओन पर्पसेस रॉन्ग नहीं है वो गलत नहीं बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं इन तीन परिस्थितियों में केवल जब आपको पता है मालिक कौन है जब जब आप पता कर सकते हो मालिक कौन है और जब आपने टाइम नहीं नहीं दिया वेट किया इन तीन परिस्थितियों में वो मिसप्रोप्रिएशन माना जा रहा है क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन माना जा रहा है वैसे नहीं माना जा रहा तो अगर आपको कभी पर्स मिला और आपने बहुत हाथ पैर मारे आपको फिर भी ओनर नहीं मिला और उस, उसके बाद आप उसको रीजनेबल टाइम वेट करने के बाद पर लेके तो है। तो ले आते हैं ठीक है तो ये दोनों ही बच्चे दोनों ही जो सकमस्टिस हैं दोनों ही सिचुएशन है दीज आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एक मिनट बच्चे ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है ठीक है एक सेकेंड देते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही बेसिक है क्रिमिनल ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है पहले उसको समझेंगे देर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन और वो जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो है मिस्रोप्रिएशन के रिलेशन में और वो है यूज uh, के रिलेशन में अप्रोप्रिएटिंग उसको खुद के पर्सनल यूज के लिए और अगर ये दोनों में से कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है उसको बोलते हैं क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बस ये बात याद रखना कि ये जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो रही है ना जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट कर रही है इस अपराध के लिए दैट डिसऑनेस्ट इंटेंशन बच्चे हैज टू बी हैज टू बी एट द स्टेज ऑफ एप्रोप्रिएटिंग द प्रॉपर्टी नॉट टेकिंग द प्रॉपर्टी तो मतलब इनिशियल पोजीशन के टाइम पर डिसनेंटेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल इंटेंशन होगा तो वैसी तो प्रॉपर्टी को मैं अपना बना लू मतलब एक ऐसा फैक्ट एंड जहां पर फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त ने मेरे को बुक दी पढ़ने के लिए दी फॉर एग्जाम्पल और मैंने क्या किया वो जब देखो जिस समय पे मेरे दोस्त ने मुझे बुक दी तो अपनी परमिशन से थी तो मेरे पास जब उसका पोजेशन आया तो बिल्कुल सही था उसमें कोई परेशानी थी मैंने बुक चुराई तो नहीं है अपने बच, अपने दोस्त से आंखें बचा के है ना मेरे पास पोजेशन आया वो राइटफुल था और मेरे को क्यों दी थी वो बुक मेरे को बुक दी थी पढ़ने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल उस बुक को जाके मार्केट में बेच दे रहा हूं और उस पैसे से पार्टी कर ले रहा हूँ This is This is या फिर मेरे दोस्त ने मुझे वो बुक दी थी फॉर दी पर्पेज की उसको ठीक करके दो मैं क्या कर रहा हूं कि उसको लेके बैठ के पढ़ रहा हूं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ विदाउट तो पोजेशन मेरा राइटफुल था जब मेरे पास आया उसके बाद जो मैंने उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में किया दैट चेंज दिशन वहां पर डिसऑनेस्टी आ गई और वहां पे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का अपराध बन गया ठीक है और आखिरी बात बच्चे यहां पे ये लिखी हुई है कि ये जरूरी नहीं है कि भाई मालिक है प्रॉपर्टी या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन मालिक है या नहीं ठीक है बस इतना ही काफी है कि उसको इस बात के ऊपर क्लैरिटी हो कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है और ऐसी किसी भी सर्कमस्टांस में विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स टू फाइंड दी राइट राइटफुल ओनर जहां पे वो ऐसा कर सकता था उसको अप्रोप्रिएट कर ले रहा था ठीक है बस इतना अगर हो रहा है इतनी सिचुएशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इस अपराध को करने के लिए काफी है तो एक बार कंक्लूड कर देता हूं बच्चे देखो एक सेकेंड के लिए सब कुछ भूल जाओ जो मैंने आपको बताया सब कुछ भूल जाओ एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जब भी बात होगी

अब हम उस प्रॉपर्टी को जो हमारे पोजेशन में आ गई है सही तरीके से उसको मिस्रोप्रिएट कर रहे हैं या उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर ओन पर्पसेस और मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें दीज आर ओनली करेंट्स दैट नीड टू तो बी सेटिस्फाइड दैट्स इट इसके अलावा कुछ भी नहीं फिर इसके अलावा इसी डेफिनेशन के अंदर एक स्पेसिफिक सिचुएशन बताई गई है और वो स्पेसिफिक सिचुएशन किस बारे में है वो स्पेसिफिक सिचुएशन है मैं टर्म यूज कर रहा हूं फाइंडर ऑफ गुड्स फाइंडर ऑफ गुड्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको सामान पड़ा हुआ मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में जब उसने उसने इनिशियल पोजेशन लिया उस प्रॉपर्टी का तो उसको थेफ्ट नहीं कहेंगे ना क्योंकि उसने किसी और व्यक्ति की पोजेशन से नहीं लिया उसने चुराया नहीं है उसे पड़ा मिला है तो ऐसी सिचुएशन में उसका जो इनिशियल पोजेशन है वो राइटफुल है ऐसा ही होता है uh, uh, क्रिमिनल होता है उठाने में कोई अपराध नहीं किया अब उसके बाद जो वो उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में करेगा वो निर्धारित करेगा कि उसने अपराध किया है या नहीं मानो वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद उसने खूब लगन से मालिक को ढूंढा और मालिक मिल गया और पर्स वापिस कर दिया कोई अपराध नहीं या फिर बहुत लगन से मालिक को ढूंढा एक आध महीना वेट भी किया और फिर जाके उसको यूटिलाइज कर लिया अपने के लिए यहां पे भी कोई अपराध नहीं किया पर ऐसी परिस्थिति में जहां पे उसे पता है कि मालिक कौन है या वो पता कर सकता था मालिक कौन है या फिर उसने सफिशियंट टाइम वेट नहीं किया इन तीनों परिस्थिति में अगर उसने उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर दिया देन इट इज क्रिमिनल क्रिमिनलेशन प्रॉपर्टी दिस इज स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक सिचुएशन फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में ठीक है फिर क्या कितना समय रीजनेबल टाइम होगा और किस चीज को रीजनेबल मीन्स मानेंगे सही मालिक को ढूंढने के या नहीं दीज आर ऑल क्वेश्चन बस यही है इसके ज्यादा कुछ नहीं है बस आपको इतना ही स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना के रखना है फॉर ऑल टेक्स और जब भी क्वेश्चन आएगा डिसऑनेस्ट डिसनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में इन्हीं पॉइंट्स को वन टू थ्री फोर फाइव लिख के आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर मुझे आप जल्दी से बताओ आपको सेक्शन 403 के अंदर डिसऑनेस्ट मिस्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का क्लियर हुआ है या नहीं बिल्कुल जल्दी बताएंगे बच्चे समझ में आ गया वो पोजेशन वाली बात समझ पा रहे हो ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक तो रिक्वायरमेंट्स तो है ही पर वो भी हमारी समझदारी क्योंकि हमको डिस्टिंग्विश भी तो करना है ना वर्ना अलग क्या हो जाएगा इट इज नॉट द इनिशियल पोजेशन जो डिसऑनेस्ट है होगा। इस fact को दिमाग में चुपका लेना और इसी तरीके से लिख के आना आपको अच्छे मार्क्स हंड्रेड परसेंट मिलेंगे चलो एक और सेक्शन है बच्चे इस कॉन्सेप्ट के अंदर एंड दैट इज सेक्शन फोर जीरो फोर 404 जीरो फोर कंपेरिटिवली सिंपल है क्योंकि डेफिनेशन का जो क्लॉज होता है वो ज्यादा हार्ड uh, uh, होता है पर इसकी भी जो सिचुएशन है ना बच्चे थोड़ी सी हटके है थोड़ी सी अलग है ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है वो तो हमें पता है डिसऑनेस्टली एक्ट करने की जरूरत है और डिसऑनेस्टी किसके रिलेशन में है मिस्रोप्रिएशन के रिलेशन में है या फिर कन्वर्जन के रिलेशन में है अब देखो अब अलग होगा ठीक है डिसऑनेस्टली कर रहा है मिसएप्रोप्रिएशन के रिलेशन में कन्वर्जन के रिलेशन में अब ये किस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कर रहा है ये देखो ये misappropriation वो जो कर रहा है वो किस का कर रहा है, और जो कन्वर्जन कर रहा है वो किस प्रॉपर्टी का कर रहा है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी का कर रहा है जो किसी मृत व्यक्ति की है एक ऐसे व्यक्ति की है जो मर चुका है जिस समय पे मिसप्रोप्रिएशन हो रहा है जिस समय पे कन्वर्जन हो रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो जो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर जिस व्यक्ति का कब्जा है वो प्रॉपर्टी वो व्यक्ति मर चुका है एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं बच्चे कभी मेरे मुंह से गलती से भी निकल जाए ना मालिक तो उसको इग्नोर करना क्योंकि जितने भी ये हम ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दीज आर नॉट ऑफेंसेज अगेंस्ट दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दीज आर ऑल ऑफेंसेज अगेंस्ट दी पोजेसर्स ऑफ दी प्रॉपर्टी फिर वो चाहे थेफ्ट हो चाहे ये वाला अपराध हो ठीक है वो गलती से स्लिप हो जाता है उसको ध्यान देना आप ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति डिसऑनेस्टली मिस कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है किसी ऐसे प्रॉपर्टी को जो कब्जे में थी किसी एक ऐसे व्यक्ति के जो अब मृत है जो अब मर चुका है और जिस समय पे मिस्रोप्रिएशन या कन्वर्जन हो रहा है उस समय पे वो मर चुका है ठीक है तो ये फैक्ट को ये ये एसेंशियल है और इतना ही नहीं ये जो प्रॉपर्टी है जिसका मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है जिसका कन्वर्जन हो रहा है वो किसी भी वे, ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में नहीं पहुंच पाई थी इस मिस एप्रोप्रिएशन से पहले इस कन्वर्जन से पहले जो लीगली एंटाइटल्ड होता उस प्रॉपर्टी के लिए उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए देखो दो बातें हैं दोनों को बारी बारी से बोल रहा हूं वो जो हमने बातें रिक्वायरमेंट्स पढ़ी सेक्शन 403 के अंदर वो यहां पे भी लागू होंगे कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए मिसअप्रोप्रिएशन के रिलेशन में कन्वर्जन के रिलेशन में और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसको तो साइड रख दो इस 404 में डिफरेंट क्या है उसको समझो यहां पे बच्चे जो मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है या जो कन्वर्जन हो रहा है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में हो रहा है जो एक ऐसे व्यक्ति के पास एक ऐसे व्यक्ति के पोजेशन में थी जो मर चुका है जो मर चुका है जिसकी डेथ हो चुकी है तो यहां पे सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट को एस्टेब्लिश करना होगा कि जिस समय पे मिस मिस्रोप्रिएशन हुआ या जिस समय पे कन्वर्जन हुआ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट दर्सन वॉज डेड जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी थी वो मर चुका था दिस इज फर्स्ट फैक्ट और जो सेकंड फैक्ट जो को एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिस समय पर मिस्रोप्रिएशन हुआ जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी थी वो तो मर चुका था पर वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं पहुंची थी जिस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी के ऊपर पोजेशन का हक होता अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच चुकी थी वो प्रॉपर्टी और फिर उसका मिस एप्रोप्रियशन हुआ है या फिर उसका कन्वर्जन हुआ है तो सेक्शन चार सौ चार नहीं लगेगा तो इट हैज़ बी आफ्टर डेथ एंड बिफोर शिफ्टिंग ऑफ़ पोजेशन टू है इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है और जो कन्वर्जन हो रहा है वो सब्जेक्ट मैटर होता है बच्चे सेक्शन चार सौ चार का जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं पहला एग्जाम्पल मानो एक कोई व्यक्ति है जो रोड पे चल के जा रहा है अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है बहुत तेज सूप है उसको अचानक से स्ट्रोक आ गया और वो जमीन पे गिर गया और उसकी मतलब पॉइंट पे डेथ हो गई अब उसने उसके पॉकेट में मोबाइल फोन है उसने अपनी उंगलियों में सोने की अंगूठिया पहनी हुई है उसने गले में चेन पहना हुआ है तो एक व्यक्ति आता है और उनको क्या करता है उन प्रॉपर्टीज को उस मोबाइल फोन को उसको रिंग्स वगैरह को उनको ले लेता है उनको अप्रोप्रिएट कर लेता है अब आप सभी लोग सोच रहे हो कि सर यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन गलत नहीं हो गया यहाँ पे इनिशियल पोजीशन रॉन्गफुल नहीं है ये थेफ्ट क्यों नहीं है थेफ्ट की जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे 378 के अंदर वहां पे एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो टेकिंग होनी चाहिए ना जो डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी है दैट हैज टू बी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ अ पर्सन पी ई आर एस ओ एन और पर्सन मींस अ लिविंग पर्सन अगर ये बंदा जी जिंदा होता भले ये पड़ा होता जमीन पे किसी भी लायक नहीं होता पर जिंदा होता और उस समय पे अगर ये अंगूठियां वगैरह लेता या मोबाइल लेता देन इट वुड हैव बीन थेफ्ट वो थेफ्ट होता क्योंकि वो जिंदा था वो पर्सन की डेफिनेशन में कर रहा था बट बिकॉज ही इज डेड ऑलरेडी तो वो थेफ्ट नहीं हो सकता तो यहां पे इनफैक्ट जब वो प्रॉपर्टी को ले रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में तो ऐसी सिचुएशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक फाइंडर ऑफ गुड में और उस व्यक्ति में क्योंकि वो लाश तो लाश ही है ना वो भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें कोई जान तो है नहीं फाइंडर ऑफ गुड्स की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं जैसे उसे कोई पड़ी हुई मिली हो वो अंगूठिया वो मोबाइल पड़ा हुआ मिला हो अब वो उसको उठा ले रहा है उसको ले ले रहा है प्रॉपर्टी को इसमें कुछ गलत नहीं है गलत कब होगा जब वो उसको मिस अप्रोप्रिएट करेगा या कन्वर्ट टू योर ओन यूज करेगा मानो किसी ने निकाल ली अंगूठी वगैरह सब कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि यार इसीलिए निकाली हो कि मैं चुरा लू या मैं लेके भाग जाऊं ऐसा भी हो सकता है उसने इसलिए निकाली हो कि कोई और व्यक्ति ऐसा ना करे हो सकता है वो पुलिस की वैन का इंतजार कर रहा हो हो सकता है वो निकालने के बाद तुरंत फोन करे कि यहां पे ऐसे लाश पड़ी हुई है और वो हैंड ओवर कर दे गेटिंग पॉइंट हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं उसके जो एक्शन होंगे आफ्टर गेटिंग दोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी वो निर्धारित करेंगे ना कि उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी या नहीं क्योंकि टेकिंग के पीछे तो डिसऑनेस्टी भले ही रही हो पर वो थेफ्ट नहीं हो सकता था क्योंकि वो डेड बंदा था तो हमको डिसऑनेस्टी चाहिए एट दी स्टेज ऑफ मिस्रोप्रिएशन या फिर कन्वर्जन अब वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को पाने के बाद ये सोचता है कि मैं इसको misappropriate कर लूं, इसको कर इससे पैसा पा या उसको खुद पहन के घूम शान दिखाऊं सबको देन इट इज रॉन्ग क्योंकि वो रॉन्गफुल गेन कर रहा है और रॉन्गफुल लॉस कर रहा है रॉन्गफुल लॉस किसको हो रहा होगा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका हक बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव गेटिंग माई पॉइंट इतना तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा बस इसमें एक पॉइंट और जोड़ लो अंडरस्टैंडिंग में ये जो या कन्वर्जन करने की स्थिति बन रही है ना किसी भी पर्सन के रिलेशन में ये बच्चे तभी तक बन सकती है जब वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं आई है जो उस प्रॉपर्टी के लीगल पोजेशन को पोजेशन मैं फिर से पोजेशन बोल रहा हूँ बच्चे ओनरशिप नहीं बोल रहा उस प्रॉपर्टी के लीगल पोजेशन को एंटाइटल्ड है अगर एक बार वो प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के मरने के बाद ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गई जो उसके लीगल पोजेशन को एंटाइटल्ड है फिर उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में अगर मिस एप्रोप्रिएशन या कन्वर्जन होगा देन इट वुड नॉट बी सेक्शन 404 जो अप्लाई होगा क्योंकि वो चेन ब्रेक हो गई क्योंकि अब वो जो मृत व्यक्ति है उसका लेना देना बंद हो खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी से अब वो प्रॉपर्टी उसके पास पहुंच गई जो राइटफुल पोजेसर है उस प्रॉपर्टी का आफ्टर दी डेट ऑफ दिस पर्सन इसका बच्चा होगा उसकी वाइफ होगी जो भी होगा गेटिंग माय पॉइंट तो उसके रिलेशन में कल को मिसएप्रोप्रिएशन किया जा सकता है सेक्शन 403 के अंदर पर 404 का मिसएप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 404 के लिए इट हैज टू बी द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेड पर्सन एक मृत व्यक्ति के रिलेशन में होना चाहिए तो दिस फैक्ट कि वो प्रॉपर्टी एक राइटफुल पोजेसर्स के पास पहुंच गई वो उस सिचुएशन को सेक्शन ४०४ से बाहर ले जाता है ठीक है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कोई एक व्यक्ति मतलब एक क्या बोलू मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है और वो प्रॉपर्टी ऐसी है जो एक ऐसे व्यक्ति के पोजिशन में थी जो अब मृत है और जब उसका पोजेशन लिया जा रहा है उस प्रॉपर्टी का मिसप्रोप्रिएट किया जा रहा है कन्वर्ट कन्वर्जन किया जा रहा है उस समय पर वो व्यक्ति मर चुका है पर वो उस समय पे है जब वो प्रॉपर्टी उसके राइटफुल पोजेसर पे नहीं पहुंची आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन उस दौरान उसके बीच में तब वो फंडा जो है तब जो सर्कमस्टांस है वो इस सेक्शन के अंदर गिरेगी बच्चे और इस सेक्शन के अंदर अगर कोई भी गिरती है तो जो सजा होती है बच्चे, वो तीन साल तक की होती है, और साथ के साथ बच्चे फाइन भी लगाना कंपलसरी होता है तो मतलब कंपेरिटिवली सीरियस है अगर आप नॉर्मल डिसऑनेस्ट मिस्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हो अंडर सेक्शन फोर जीरो ऐसा सिचुएशन है जरूरी नहीं है कि आप जेल जाओगे और जेल भी जाओगे तो मैक्सिमम टू इयर्स बट बच्चे 4404 के अंदर नॉर्मल सरकमस्टैंसेस में नॉर्मल परिस्थितियों में इट इज थ्री इयर्स प्लस 5 जेल भी पक्का जाओगे फाइन भी पक्का लगेगा इसके एक और सरकमस्टैंसेस है अगर यही काम इसी सेक्शन के अंदर जो अपराध कर रहा है अगर यही काम कोई एक वे, ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो क्लर्क था उस मृत व्यक्ति का क्लर्क था या फिर उसका नौकर था उसका सर्वेंट था और उसने ऐसा किया तो उसको जो सजा मिलेगी बच्चे वो सात साल तक की होगी तो क्लर्क और सर्वेंट के सिचुएशन में सात साल प्लस फाइन तक की परिस्थिति बन सकती है सात साल आप देख रहे हो डबल से भी ज्यादा कर दिया क्लर्क और सर्वेंट की सिचुएशन में ऐसा क्यों है इसको भी समझते हैं पहले क्लर्क और सर्वेंट कैसे होंगे उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं मानो एक बूढ़े अंकल हैं वो अकेले रहते हैं अपने सर्वेंट के साथ एक घर के अंदर और एकदम से वो बूढ़े अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है ही डाइज एट दैट पॉइंट ओनली और बूढ़े अंकल काफी रिच हैं तो उनके और इट इज इस... मैंने एग्जांपल दिया वो तो बच्चे ऐसी प्रॉपर्टी का दिया जो उसकी पर्सन पे थे मतलब उन्होंने जो पहन रखे थे या उनके कपड़ों में थे ऐसा जरूरी नहीं है जैसे इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं जैसे उसके घर में था वो और घर में डेथ हुई थी और वो सर्वेंट था तो उसको तो सब जानकारी थी कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे है तो जैसे ही अंकल की डेथ हुई उसने इस बात का फायदा उठाया व्हाट डिड ही डू वो गया अंदर उसने तिजोरी खोली तिजोरी में जितना भी पैसा था जितना भी सोना था सबको निकाला जितने भी टीवी फ्रिज वगैरह मतलब घर काफी बड़े बड़े हो जाएंगे मतलब जो भी उसको लगा कि वो जो उठा सकता है उसने सबको उठा लिया तो ये जो सर्वेंट है या फिर ये जो क्लर्क है ये जो अपराध कर रहा है वो इस 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 वाली सिचुएशन के अंदर कर रहा है सेकेंड वाली सिचुएशन के अंदर कर रहा है और उसको ज्यादा सजा मिलेगी वो थेफ्ट क्यों नहीं है क्योंकि हमको सुनने में लग रहा है कि थेफ्ट होना चाहिए क्योंकि अंकल मर चुके हैं थेफ्ट के लिए इट इट हैज हैज टू बी बी आउट आउट कमिटेड इन रिलेशन प्रॉपर्टी जो किसी पर्सन के पोजेशन में पर्सन की तो डेफिनेशन में नहीं गिरेंगे अंकल क्योंकि अंकल की डेथ हो गई है तो इस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी किसी की भी पोजेशन में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में वो इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल होगा ना कि सेक्शन 379 के अंदर क्योंकि अगर वो उस प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है या उसको कन्वर्ट कर लेता है फॉर ओन यूज तो उसको जो इम्रिजनमेंट है वो सात साल तक का होगा और साथ के साथ उस पर फाइन भी लगेगा ठीक है तो दिस इज दनिशमेंट फॉर नॉर्मल नॉर्मल सर्कन्स्टांसेज जहां पे डेथ वाली सिचुएशन नहीं है किसी लिविंग पर्सन की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट या कन्वर्ट किया जा रहा है डिसऑनेस्टली यहां पे ऐसा तब होगा जब जो प्रॉपर्टी का मिस्रोप्रिएशन हो रहा है या जो हो रहा है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी डेड डेड पर्सन पर्सन के के में में हुआ करती थी देन दिस इज नॉर्मल पनिशमेंट अगर ये के रिलेशन या में 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 कन्वर्जन करने वाला व्यक्ति ये सर्वेंट या क्लर्क है तो उसको ये सजा मिलेगी सर्वेंट तो बच्चे काफी ब्रॉड है क्लर्क मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो हिसाब किताब मतलब ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड नौकर या बिजनेस रिलेटेड सर्वेंट्स सर्वेंट से गलत मैं बिजनेस रिलेटेड एम्प्लॉइज मान लो तो वो क्लर्क की डेफिनेशन में गिरते हैं थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है क्लर्क इन कंपेरिजन टू सर्वेंट ठीक है तो बच्चे दिस इज सेक्शन आपका 404 तो ये जो दो सेक्शन है ये दो सेक्शंस की जो तिकड़म है सेक्शन 403 एंड सेक्शन 404 दिस इज एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट मिस ऑफ प्रॉपर्टी देखो बच्चे जो प्योर कॉन्सेप्ट है वो तो सेक्शन 403 के ही अंदर है चार सौ तीन चार के अंदर केवल वो स्पेसिफिक सेकंड स्थान से जहां पे डेड पर्सन इन्वॉल्व है ठीक है अब मुझे आप जल्दी से बताओ आप सभी लोगों को समझ में आया है वॉट इज डिसऑनेस्ट डिसनेशन ऑफ प्रॉपर्टी वॉट इज सेक्शन फोर जीरो फोर जीरो थ्री वॉट इज फोर जीरो फोर जीरो फोर अब यू ऑल क्लियर अबाउट दीज टू सेक्शन बच्चे कहीं पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कोई परेशानी कहीं पे भी थोड़ा सा भी ऐसा कहीं पे लग रहा हो कि मेरे को सर वो वाली बात नहीं समझ पाए अगर कोई भी अगर ऐसा लग भी रहा है तो सबसे पहले तो सेक्शन को पढ़ना है दोनों सेक्शन को पढ़ना है वर्ड टू वर्ड पढ़ना है इलस्ट्रेशन उसमें दे रखी है काफी अच्छी उनको आप पढ़ो और उसके बाद अगर जरूरी लगे तो एक बार लेक्चर को भी दोबारा तो दे फिर पक्का आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा जैसे तो लगभग मैंने हर एक बात को लगभग आठ से नौ बार रिपीट किया है हिंदी लेक्चर ठीक है चलो थैंक यू सो मच बच्चे इस सेशन को मैं यहीं खत्म करूंगा अब मैं मिलूंगा आपको सेवन थर्टी पे और सेवन थर्टी गोना स्टार्ट विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो फटाफट से आ जाएगा उसको पढ़ेंगे ठीक है बाय